कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने मुझ पे आरोप लगाए कि दिल्ली में मैंने ये काले कानून पास कर दिए। इतने नाजुक मौके पे भी इस तरह की गिरी हुई राजनीति कैप्टन साहब कैसे कर सकते हैं? ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। अब सवाल ये है कि जब कैप्टन साहब को ये बात पता है तो फिर उन्होंने मुझ पर ये झूठे आरोप क्यों लगाए? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब से हमने दिल्ली के 9 स्टेडियम को जेल बनाने से रोका है तब से केंद्र की भाजपा सरकार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। केंद्र सरकार का पूरा प्लान था कि जब किसान दिल्ली आएंगे तो उन्हें इन 9 स्टेडियम में डाल देंगे। हमने स्टेडियम को जेल बनाने की इजाजत नहीं दी तो वो लोग अब मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे पता है कि स्टेडियम को जेल बनाने के लिए मुझ पे कितना दबाव आया था, किस किस का फोन नहीं आया। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप अपने जमीर की सुनते हो, नतीजे की परवाह नहीं करते। कैप्टन साहब, क्या इन्हीं लोगों का आप पे दबाव है जो आप मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हो, मुझे गालियां दे रहे हो, बीजेपी की बोली बोल रहे हो? बीजेपी के साथ ये दोस्ती निभा रहे हो या कोई दबाव है? क्योंकि आपके परिवार पे ईडी के केस चल रहे हैं आजकल और ईडी के नोटिस भी आ रहे हैं आजकल। कैप्टन साहब के पास ये बिल रोकने के कई मौके आए। पंजाब के लोग पूछ रहे हैं कि तब कैप्टन साहब ने इन बिलों को क्यों नहीं रोका।